नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी इश्यू के नए एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जब से हमने रेरा का जो इशू उठाया है तो काफी लोगों ने हमारा प्रोग्राम देखा है, लेकिन काफी लोगों ने कंप्लेन भी ये की है कि वो जब घर पे आते थे तो ये प्रोग्राम हमारा नहीं देख पा रहे थे, ना रिपीट देख पा रहे थे। तो उनके लिए खुशखबर यह है कि जो हमारी, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे और वहां पे लॉग इन करेंगे नवी मुंबई आवास चैनल और प्रॉपर्टी इश्यू, अगर आप लॉग इन करेंगे तो आप कभी भी देख सकते हैं। इवन वो लाइव स्ट्रीमिंग भी है, जो हमारा चैनल लाइव स्ट्रीमिंग भी है, तो आप कभी भी एनी टाइम एनी वेयर देख सकते हो इस चैनल को। प्लस हमारा वेबसाइट भी है नवी मुंबई आवाज.com पर। तो दोस्तों, इस रेरा का जो इश्यू है काफी बड़ा इश्यू है, हर एक आदमी का इससे लेना देना है जैसे बोल सकते हैं। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने आज जो हमारे स्टूडियो में नए मेहमान बुलाए हुए हैं, तो मेरे दाएं तरफ है भूपेन शाह जी, ये भूमिराज ग्रुप के CMD है और BANM के ट्रेजरर भी है। नमस्ते भूपेन। और उनके आगे जो है वो अशोक सादर जी है, वो एरियट सुपर स्ट्रक्चर्स लिमिटेड के चेयरमैन है। और मेरे बाई तरफ जो है वो AK भट्टाचार्य साहब है, ये नवी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के फाउंडर मेंबर है, प्लस नवी मुंबई एक्शन कमेटी के भी फाउंडर मेंबर है। तो आज हम इन जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, हम सब इनसे विस्तार से जानेंगे कि रेरा है क्या, इसके फायदे क्या है, इससे नुकसान क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना जो सवाल है वो अशोक भाई से पूछूंगा। अशोक जी, जो रेरा गवर्नमेंट ने जो बोला है रेरा करना है, सब लोगों को, सब बिल्डर्स को, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, सिर्फ 5% लोगों ने आज तक रजिस्ट्रेशन क्यों किया हुआ? नियम जो एक्ट है उसका पहला दिन जब से शुरू हुआ था, वो एक्ट 1 मई 2017 को आया, और इतनी बड़ी किताब, इतना बड़ा एक्ट, इसको समझने में और उसको पूरी सही ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन करने में एटलीस्ट 1 महीने 1.5 महीना तो लोगों का चला गया। कम से कम 100-200 सेमिनार्स जो शहर में हुए होंगे प्रमुख लोगों से और बुद्धिजीवी लोगों से, ये समझने के लिए कि ये एक्ट है क्या। महीना तो चला गया सिर्फ ये समझने में कि ये एक्ट है कैसा है। हम भी जानते हैं कि छोटी सी कक्षा में जाते हैं तो AIU लिखने के लिए भी कभी कभी साल लग जाते हैं, तो इतना बड़ा एक्ट समझने के लिए एक महीना बहुत ही कम सा समय सा था। उसके बाद में जो दूसरा महीना जून महीने का निकला, उसमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, यानी कहीं बैंकों का था, बैंक वालों को आज तक नहीं मालूम है कि क्लियरिटी नहीं थी, और कुछ लोगों को आज भी क्लियरिटी नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन कैसे होंगे, पैसा जाएगा किस में, वहाँ से कंट्रोल अकाउंट में कैसे पैसा जाएगा, 70% क्या है, 100% क्या है, लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है पूरी तरह से। हाँ, और उसके साथ साथ जैसे ही जून महीने में लोगों ने रेरा के लिए अपने अपने सारे प्लान्स बनाने शुरू किए, उसके बावजूद भी उनको ये नहीं पता था कि टोटल एक्चुअल में कार्पेट एरियाज क्या है। एक्ट अथॉरिटी की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि एक्ट 1 मई के बाद में से लेके आज तारीख तक इस 60-65-70 दिनों में कम से कम कुछ नहीं कि तो 8-10 क्लेरिफिकेशंस आए हैं। तो अथॉरिटी भी जैसे जैसे अनुभव कर रही है उस एक्ट को लेके काफ़ी क्लेरिफिकेशंस दे रही है, जानकारी दे रही है, एक्ट के अंदर के छोटे से संशोधन कर रही है। तो हर व्यक्ति जो इन्वॉल्व है, चाहे सरकार हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे कंज्यूमर हो, या फिर जितने भी उसके ऑपरेटर्स हो, यानी बैंक हो या एजेंट्स हो, उन सब के लिए अब तक संपूर्ण रूप से पूरा समझने में एक, अब जाके कह सकते हैं कि कई रूपरेखा बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि ये इस रूपरेखा के साथ साथ जो सबसे बड़ा जुड़ा हुआ संबंध था वो था GST का। तो GST भी एक इतना बड़ा एक्ट जो आया था, सारी चीज़ें जो GST के हिसाब से है वो रेरा के हिसाब से भी मैच होनी चाहिए। इंटरनल बैलेंस शीटों को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंटों को समझना था, जो अब तक समझ रहे हैं, इसके कारण इसका विलंब होना बहुत ही अनिवार्य था, बहुत ही सही था, कोई लेट नहीं हुआ है। क्योंकि कोई भी चीज़ डिस्क्लोजर्स देने के लिए, अपलोड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सही डिस्क्लोजर्स देवे, सही अपलोड करे, सही चीज़ें अथॉरिटी एज वेल एज लोगों को बताएं। तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम समय मिला है
एजेंट्स को, बिल्डर्स को, बैंक्स को इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लग रहा है कि ये रेरा आने से प्रोजेक्ट्स में कैसे फर्क पड़ेगा, या पब्लिक को कैसे बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? मेरा कहना पहला बात है, कोई अमेंडमेंट करता है क्या, नए रूल आता है, पुराना से अच्छा है। अच्छा, क्यों? पुराना में जो कुछ गड़बड़ था उसको बराबर करने के लिए बनाया जा रहा है, बट जो टाइम चल रहा है उसको साथ में फिर अमेंडमेंट करना पड़ता है, इसीलिए मेरा कॉन्स्टिट्यूशन भी 100 का ऊपर अमेंडमेंट हो गया। अच्छा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 का ऊपर अमेंडमेंट हो गया है। सो टाइम को साथ साथ अमेंडमेंट का जरूरी है। तेरा का लिए दूसरा बात ये है जी, मिडिल क्लास पीपल का इट इज द हाईएस्ट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ लाइफ। इतना पैसा कोई काम में खर्चा कर नहीं, तो ये करने का बारे बहुत कुछ दिखना मांगता है। बट हमारा सिस्टम ये हो गया था, पहले क्या था, पहले था मोफा 1979 फ्लैट एक्ट, उसमें सोचा कुछ बराबर ये नहीं, क्लियरिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इसीलिए रेरा बनाया। तो जब प्रैक्टिकली कर रहा था, हम लोग को कोटी का जरूरी है, तो हम लोग जाता है बाबा क्या करेगा, बिल्डर बोलते इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से कुछ पढ़ा नहीं, 80% लोग कुछ पढ़ा नहीं, क्या सही कर रहा है, जरूरी क्या, मैंने सही करके ले गया, बाद में देखा। इसीलिए वो जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट ऐसा होना मांगता जो आदमी को पढ़ने का जरूरत नहीं, गवर्नमेंट होके फॉर्मेट बना देगा तो तुम सही कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। अच्छा, अभी रेरा में क्या है, बहुत कुछ अच्छा है, बट कंज्यूमर के लिए 2-3 पॉइंट अभी भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। पहला पॉइंट ये है, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, बिल्डर को पार्किंग प्लेस बेचने का अधिकार नहीं है अंडर मोफा। और उसमें मुश्किल क्या हो गया, जब पहले जो बिल्डिंग सीट को जो प्लान बनाया था उसी JN1 JN2 के लिए कोई पार्किंग नहीं रखा था, बिकॉज JN1 JN2 बनाया था फॉर गिविंग योर वर्किंग स्टाफ, वो टाइम में सोचा नहीं था इतना गाड़ी होएगा, समझिए। तो अभी जो होता है, नाउ वी कैन सी, यू सी ब्रिटिशर्स मेड बॉम्बे 200 ईयर्स अगो, वो टाइम में कितना आदमी था मालूम नहीं, बट वो टाइम में स्वेरेज बनाया था, स्वेरेज लोग भाग सकता है स्वेरेज में। और हमारा इधर क्या किया, पहले जो स्वेरेज बनाया था सिटको ने, फिर अभी तोड़ के नया बनाना शुरू कर दिया, क्या मालूम 4-5 साल बाद में फिर दोबारा बन सकता है। सो फोर साइड हमारा बराबर नहीं है। अभी रेरा के बारे में बोलने के लिए, तो मोफा का चेंज किया है, रेरा में मोफा का ऑलमोस्ट सब पॉइंट लिया है, उसमें एक पॉइंट दिया है, दो चीज हमारे लिए मुश्किल है, बिल्डर को फेवर में है बोलूंगा, ये जब प्लाट किया है, जब मल्टी बिल्डिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा बिल्डिंग होता है, उधर बोलता है जो कन्विंस देने का लास्ट बिल्डिंग होने के लिए, बिल्डर लोग कमाने के लिए बैठा हुआ है, अब वो सोचता है अभी अभी सही आने वाला है, तो लास्ट बिल्डिंग वो कमाया बना गया ही नहीं, लास्ट बिल्डिंग बना गया ही नहीं, तो कन्विंस नहीं मिलता है। ये जो आप बात कर रहे हैं, कुछ बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो बिल्डिंग से इंडिविजुअल बिल्डिंग तो इंडिविजुअल बिल्डर कंप्लीट कर रहा होता है, रेरा पॉइंट इज रेरा का बात होता है ना, रेरा में ये बोला है जो बड़ा बिल्डिंग भी बनेगा उसमें है क्लैरिफिकेशन फॉर रीडेवलपमेंट, रेरा में बराबर नहीं है, जो रीडेवलपमेंट के लिए भी रेरा है, बट रीडेवलपमेंट के लिए क्लैरिफिकेशन बराबर अभी तक नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो जैसे डीमोनेटाइजेशन आया, उसके बाद में रेरा आया, उसके बाद में जीएसटी आया हुआ है, तो ये इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है फ्लैट ओनर पे, या कंफ्यूजन एक क्रिएट हो चुका है गवर्नमेंट ने एक साथ में एक के बाद नए नए ये लाके? नहीं, ऐसा नहीं, रेरा लाना जरूरी था क्योंकि आज बिल्डिंग इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज थी। करेक्ट, अभी ये रेरा आने से पूरा ऑर्गेनाइज हो जाएगा कि आप देखो कोई भी आ जाएगा, कल उनके बिल्डर बनाएगा, बिल्डर बन गया, स्टेट एजेंट था, ये था, ये था, बिल्डर बन गया। अभी रेरा आने से उसकी रजिस्ट्रेशन करने से छोटी माहिती आपको उसके अंदर डालनी है। अच्छा, आपका अकाउंटिंग में जैसे अशोक जी ने बताया, अकाउंटिंग का भी अपना ये जो अभी जो जीएसटी का आया, हर अकाउंटिंग तुमको बताने का है,
70% तुम्हारा जितना भी आता है वो 70% तुमको तुम्हारे एक एक्सक्रो अकाउंट है या सेपरेट अकाउंट है उसके अंदर तुमको डालना है। तो अभी ये रेरा हम इसके लिए अच्छा कर, जो सही ढंग से काम करता है उसके लिए रेरा दी बेस्ट है, कंज्यूमर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जैसे इन्होंने अभी बताया, जरा जी ने एक दो चीजें बताई कि ये चीज की कमी है, ये चीज की कमी है, डेफिनेटली रीडेवलपमेंट में कैसा करने का, ये बात इनकी सही है कि रीडेवलपमेंट का क्लियर नहीं है। लेकिन रेरा जो मोफा था, मोफा और रेरा के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? यहाँ पे इतनी सारे पाबंदी है, जैसे कारपेट एरिया का डेफिनेशन है, कार पार्किंग का डेफिनेशन है, कॉमन एरिया का डेफिनेशन है, हर डेफिनेशन तुमको रजिस्ट्रेशन के अंदर डालना है। तो जैसे इन्होंने भटारा जरा जी ने बताया, एक जो मिडिल क्लास कंज्यूमर अनसेफ था, पूरे लाइफ का पैसा डाल रहा है, राइट, तो गवर्नमेंट का इंटेंशन वही था कि भाई वो सेफ हो जाए। कितनी हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर बिल्डर है, एक प्रोजेक्ट लिया फिर वापिस उसको पर दूसरा प्रोजेक्ट, वो पैसा आया तीसरा प्रोजेक्ट, आफ्टर ऑल क्या होता था, फर्स्ट प्रोजेक्ट रखा रहा था फिर क्यों होने वाला है। तो ये जो आंधाधुंधी थी, ये आंधाधुंधी अभी नहीं होगी, और जो सही काम करने वाला है, जैसे मैं आपको बताऊं मेरा तजुर्बा, मैंने 30 लाख फुट काम किया नवी मुंबई के अंदर। तो हम लोग क्या करते थे, पहले बुकिंग आता था, हमको कंस्ट्रक्शन का पैसा कितना लगेगा वो हम लोग रिजर्व करते थे, तो उसकी आरडी करते थे, हम उससे दूसरा धंधा नहीं करते। तो इसके लिए हमारा प्रोजेक्ट टाइम टू टाइम डिलीवर हो जाता था, टाइम टू टाइम ओसी हो जाता था, तो दिक्कत नहीं आती थी। ये जो अनऑर्गेनाइजिंग थी, तो क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि लास्ट बिल्डिंग तक कन्वेंशनिंग, सिडको के अंदर ऐसे बड़े प्लॉट है ही नहीं, जैसे पूरी गिन चुन के न्यू बॉम्बे के अंदर, या तो एक तो एनआरआई है बड़ा कॉम्प्लेक्स, या तो ये फार्म हाउसिंग है, उसके अलावा नवी मुंबई सिडको एरिया के अंदर कोई भी बड़ा ये प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो दिक्कत आने का कोई कारण नहीं है। तीसरी चीज, हाँ अभी नैना के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट आएंगे, डेफिनेटली भटारा जी जो बोल रहे हैं उसके अंदर एक कंडीशन डाला है, लेकिन ऐसा नहीं है भटारा जी की, कैसा है उसके अंदर कि अगर समझो मेरी 50 कॉम्प्लेक्स है, 50 बिल्डिंग का कॉम्प्लेक्स है, मैं पहला रजिस्ट्रेशन पहला 5 ही कराऊंगा, राइट, पहले 5 ही कराऊंगा, 5 ही कराने के बाद उसका मेरा पजेशन होने के बाद मैं दूसरा फेज करूंगा, तीसरा फेज करूंगा। एक प्रोजेक्ट के अंदर अगर मेरे को 2 या 4 या 5 बार रजिस्ट्रेशन करवाना है, 30 भी लाऊंगा। इसके अंदर आफ्टरऑल कंज्यूमर सेफ है, कंज्यूमर सेफ है, कंज्यूमर की कोई जगह गवर्नमेंट ने बाकी नहीं रखी है, और हम लोग उसका स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होना ही चाहिए। जो दूसरी बोलिए, दूसरी एक चीज, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होने के बाद क्या होगा, हमको क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे बिल्डर हमको तकलीफ होगी स्टार्टिंग में, हम ना नहीं बोलते कि हमने कभी ये माता पच्ची की नहीं है, अभी ऐसा माता पच्ची रजिस्ट्रेशन करना है, कार्पेट एरिया सीसी, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है, सीसी के बिना तुम बुकिंग नहीं कर सकते, बुकिंग के बिना तुम अपलोड नहीं कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, और रजिस्ट्रेशन के बिना तुम बेच नहीं सकते, ये कंज्यूमर के लिए दी बेस्ट है। इसका दूसरा बेनिफिट क्या हो जाएगा, इसका बेनिफिट है जगह जो आज फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है या बैंकिंग था, उनको बिल्डर आएगा भागेगा तो पैसा देने के लिए किचकिचाहट कर रहे थे कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा, बिल्डिंग बनाएगा नहीं बनाएगा। लेकिन अभी बैंकिंग और इंस्टीट्यूशन पर भरोसा है, क्योंकि 70% एस्ट्रो अकाउंट में पड़ा है, उसका हाथा भी जाएगा, कंस्ट्रक्शन भी चलेगा, और कस्टमर आएगा वो भी सेफ, तो ये कहने का हम लोग तो स्वागत करते हैं। अशोक भाई, ये मेरे ख्याल से आप लोग ऐसा मतलब पहले लोग हैं जो बता रहे कि रेरा बिल्डर्स के लिए अच्छी बात है, ना तो यूजुअली ऐसा है लोगों के मन में ऐसा हुआ है कि रेरा से बिल्डरों को नुकसान है और पब्लिक को फायदा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये रेरा आने से पब्लिक को भी फायदा होगा, बिल्डर्स को भी फायदा होगा, दोनों को? जो मूल उद्देश्य है अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स का, वो मूल उद्देश्य है कि कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए, और अगर बिल्डर का भी ऑब्जेक्टिव इस बिजनेस का है कि मैंने ये प्रोजेक्ट लिया मुझे काम पूरा करना है, तो उसके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है, बिल्कुल भी उसके लिए ये नहीं है कि बेनिफिशियल नहीं है। जो लोग शॉर्टकट मेथड कर रहे थे या ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे, उन विचारधारा वाले लोगों के लिए तो ये हमेशा ही तकलीफदायक रहेगा, और हमारे जैसे लोगों के लिए हमेशा हम इसका स्वागत इसलिए करते हैं क्योंकि ये बहुत ही सही है, और इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है कि समय पे फ्लैट बायर को घर मिलना, वो इसमें पूरा होता है। भट्टाचार्य साहब, आपको क्या लग रहा है कि रेरा आने से पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि भाई हम लोग अभी सिक्योर हो गए हैं, अब हमारे से बिल्डर जो कमिटमेंट कर रहे थे वो पूरा करेंगे टाइम टू टाइम? पॉइंट ये है जी,
मैं तो पहले ही बोला जो नया रूल जो आता है पुराना से अच्छा है, बट रूल में हमारा फोरसाइट पूरा नहीं रहता है, इसीलिए रूल में बदलाव होने का चांस बहुत रहता है। इसीलिए रूल करने का पहले वो लोग मानता है जो सबसे पेपर में देता है, ये देता है जो तुम्हारा सब आदमी को बताओ तुम्हारा इसमें क्या गलत है, क्या करना है, कहीं क्या करना है, तो सब देता है। मेरा ख्याल से मुझे मालूम नहीं सब लोग पढ़ रहा है कि नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उसको बाद में ज्यादा से ज्यादा लेता है। तो इसीलिए ऑलवेज आई थिंक जो बाद में जो आता है वो पहला से अच्छा है। रेरा रिप्लेस कर रहा है मोफा, मोफा से रेरा अच्छा है, बट अभी भी रेरा में भी बहुत स्कोप है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो रेरा बेटर हुआ है, बट इम्प्लीमेंट करने का रास्ता है। इस बार जो सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो रेरा का एक्ट बनाया उसके लिए एक साल का सजेशन ऑब्जेक्शन और बहुत सारे सोसाइटी के कमिटी के कम्युनिटी के लोगों पेपर में भी आया था, सम्मानित करके किया हुआ पेपर में भी आया था, पंद्रह पेज का दावा था। और मेरा वो तो सजेशन ऑब्जेक्शन नहीं हुआ है, होता नहीं। अब ये भी बात की क्या है, ऑब्जेक्शन पूरा पढ़ा क्या, क्योंकि इतना बांच हो गया उसमें कितना पढ़ा ये मेरा डाउट है। अभी रही बात ये कि भाई क्या एक्ट ने सभी चीजों को पूरी तरह से उसको इंक्लूड किया कि नहीं किया, जो आपका कहना है तो वैसा है। एक बात है कि एक्ट ने अभी तक हमेशा सिर्फ तीन चीजों को, तीन लोगों को मद्देनजर रखते हुए ये कानून बनाया, और वो था एजेंट, बिल्डर और कस्टमर, आर्किटेक्ट। जबकि बहुत, हाँ आर्किटेक्ट, बहुत सारे वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी इसमें कनेक्टेड है, और इसको देखने का नजरिया सिर्फ तीन लोगों के बीच में का विवाद नहीं होना चाहिए था। जैसे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, जो लोग अप्रूवल के लिए, जिसके लिए लाइसेंस का काम, आज 50% बिल्डर का काम लाइसेंस का काम हो गया, 50% बिल्डिंग बनाने का काम होता है। एक्ट को सिर्फ कुछ लोगों के आपसी विवादों को सुलझाने के लिए एक्ट नहीं बनाना था। एक्ट जो बना था किसी न किसी एक मूल धारा पे बना है, जो है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी अलग अलग तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स और जो सर्विसेज है, ये सिर्फ बिल्डिंग लाइन की नहीं, सिर्फ डेवलपर की नहीं, बट संपूर्ण भारत में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जो जो प्रावधानों की जरूरत थी उसका शायद अब तक इसमें पूरा शामिल नहीं किया गया है। उसको कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देख के कुछ ना कुछ आने वाले टाइम में संशोधित करना जरूरी होगा। और कॉन्ट्रैक्ट को जब कॉन्ट्रैक्ट की नजर से देखेंगे तभी सारी पार्टियां अपने आप ही उसमें सेटल हो जाएगी। जैसे मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं एक मिनट है, देखिए थ्योरी और प्रैक्टिस में तो थोड़ा फर्क रहेगा। द एक्ट इज बेस्ड ऑन थ्योरी, सोचा ऐसा 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 होगा, बट जब काम करेगा, काम करने का टाइम में देखा जाएगा क्या बनना होता है। इसीलिए अमेंडमेंट ऑफ द एक्ट इज रिक्वायर्ड। जब इम्प्लीमेंट होएगा, इम्प्लीमेंट होने के बाद में किया है सब अच्छा लेके किया है, बट इम्प्लीमेंट में टाइम में देखना है जो उधर किधर किधर लूप होल है वो होल बंद करना है। सर लायबल है ना, बता जा रहे थे इसमें लायबल है, इसमें आर्किटेक्ट लायबल है, आरसीसी वाला लायबल है, एजेंट लायबल है, बिल्डर लायबल था। अब तक क्या था, बिल्डर था। नहीं ना, और एक सबसे ज्यादा ये है, ये जो हमारा इसके अंदर हमारा कहना है, बता जा रहे थे हमारा कहना है कि जैसे सिडको अथॉरिटी है लोकल, वो भी उसके अंदर शामिल होना चाहिए। जैसे पनिश हमको हो रहा है वैसे उनको भी पनिश होना चाहिए, एनएमएमसी भी पनिश होना चाहिए, खाली बिल्डर नहीं होना चाहिए। अगर अगर उनको भी पनिशमेंट लाएंगे, ये इश्यू हमने गौतम चटर्जी के सामने हमने निकाला था, जब हमारा सेमिनार हुआ था तब हमने निकाला था। सर आप हमको आर्किटेक्ट को, एजेंट को, बिल्डर को, सबको आप पनिश कर रहे हो, ये कर देंगे, राइट, हम एग्री। लेकिन उसके साथ में हमको जो डिले गवर्नमेंट अथॉरिटी से हो रहा है, चाहे वो सिडको रहे या एनएमएमसी रहे, भट्टाचार्य जी आपको मैं एक चीज बताऊं, राइट, अभी देखो सेंट्रल है सीएजर के लिए, मैं अभी जो बताया 316 प्रोजेक्ट ओसी के लिए खड़े, आज भी विदाउट ओसी रह रहे, वो बिल्डर का क्या गलती, अथॉरिटी की गलती, वो अथॉरिटी की गलती का मतलब पनिश क्यों बिल्डर हुए। देखो आप कंज्यूमर की तरफ से बोलेंगे, मैं बिल्डर की तरफ से बोलूंगा, ये तो आप भी मानते हो ना कि अगर उसके अंदर आदमी रहने को आए, पानी टैंकर का आ रहा है, सब आजू बाजू की सुविधा है, वो उनको नहीं मिल रही है, तो ये क्या न्यायिक है? जिम्मेदार
सूबेदार सभी का बनना जरूरी है, तो बोला है। इसीलिए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट को किस नजर से देखा जाता है, उनको भी शामिल करना चाहिए। गवर्निंग अथॉरिटी, गवर्नर होने दो, गवर्नमेंट होने दो, उसको एजेंट होने दो, जो जो काम करता है सबको होना मांगता। ये तो दरअसल एक काम होने का बाद जब चालू हो जाएगा तब देखा जाएगा किधर किधर ऑब्जेक्शन आता है, तो उसको फिर रेरा आल्सो विल चेंज। अपन ने जब भी हमारा सेमिनार हुआ था इस अथॉरिटी के चेयरमैन ने गौतम चटर्जी से हमने क्वेश्चन किया कि हमको पनिशमेंट कर रहे हो तो आप सिडको अगर एनएमएमसी की तरफ से होगा तो आप क्या करोगे, तो उन्होंने कि हम स्ट्रक्चर पास करेंगे। व्हाट स्ट्रक्चर पास करेंगे, पनिश करो। तो हमको टाइमली हमको ओसी मिले, सीसी मिले, बिल्डर को कोई ऐसी जो ऑर्गेनाइज बिल्डर है उसको कोई जरूरत नहीं है प्रोजेक्ट लेट हुए। जितना प्रोजेक्ट हमारा फास्ट होगा सर हमारा प्रॉफिट इतना बढ़ता है, इतना ब्याज कम होता है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन इतना मिलता है, सामने दूसरा प्रोजेक्ट करता है उसके अंदर हमको कस्टमर मिलते हैं। तो बिल्डर को कभी भी, ऑर्गेनाइज बिल्डर को कभी भी प्रोजेक्ट लेट करने में 1% का भी इंटरेस्ट नहीं होता है। प्रोजेक्ट जितना भी फास्ट होता है ना उसमें बिल्डर का प्रॉफिट बढ़ता है। अभी लास्ट टाइम मैंने अपने प्रोग्राम में बताया था कि बिल्डर जो है एक्चुअली जो जैसे म्युनिसिपैलिटी है या सिडको है वो लोग एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रेडी कर देते हैं कोई भी सिटी का, लेकिन जो उसको जान जो डालने का काम है वो बिल्डर्स करते हैं। जो बिल्डर पहले वहां पे प्लॉट्स लेते हैं उसके बाद वो हजारों लोगों को वहां पे काम देते हैं, आर्किटेक्ट्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लेबर्स हो गए, उसके बाद में इलेक्ट्रिशियंस हो गए, सब लोग आ गए उसके अंदर। लेकिन एक धारणा बनी हुई है लोगों की कुछ बिल्डर्स के कारण, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब बिल्डर्स में इंक्लूड है, कुछ बिल्डर्स के कारण जैसे डिले करते हैं प्रोजेक्ट्स या कई बार फाइन मारते हैं, कई बार इंटरेस्ट मारते हैं, कई कारण थोड़ा सा बिल्डर्स का ये प्रॉब्लम हो चुके। तो अशोक भाई इसमें आपको क्या लग रहा है, रेरा आने से बिल्डर्स इंडस्ट्री जो आपकी इंडस्ट्री है इसमें कैसे बेनिफिट होगा? जब जब कभी भी एक रेगुलेटर, रेरा एक रेगुलेटर है, जब जब एक रेगुलेटर किसी भी सेक्टर में इंडिया में आया है, जब भी उसमें उस सेक्टर का पूरा आउटलुक चेंज हुआ है, उस सेक्टर को देखने का नजरिया, जैसे भूपेंद्र भाई ने कहा सिर्फ बैंक्स और इंस्टीट्यूशन नहीं, वो तो है ही है, उसके साथ साथ एफडीआई से एफआईआई से उनके सबका भी नजरिया काफ़ी चेंज बाकी सेक्टर्स में भी हुआ है और रियल एस्टेट सेक्टर में भी होगा। जैसे जब भी रेगुलेटर स्टॉक मार्केट में आया सेबी बनी तो स्टॉक मार्केट में इतना बड़ा चेंजेस आया, फार्मा में जब भी रेगुलेटर आया फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और अच्छा का बदलाव हुआ। तो हम तो ये देख रहे हैं कि आज रियल एस्टेट में रेगुलेटर आने के बाद में आने वाले 3 साल के बाद ये सेक्टर जो देश का सबसे बड़ा जीडीपी को कंट्रीब्यूशन देता है, जो सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर के लिए, इस सेक्टर को बहुत ही इज्जत और बहुत ही सम्मानता के साथ आने वाले टाइम में देखा जाएगा। एफडीआई से लेके उनको आज इस सेक्टर को समझना आने वाले टाइम में बहुत आसान और ईजी होगा, जो आज तक नहीं था। जैसे 30 साल पहले भाई लोग चलाते थे बिल्डर लाइन को, फिर 20 साल पहले देखे तो लाला लोग आए, और पिछले 10 साल पहले आप देख रहे हो कि कॉर्पोरेट्स आने शुरू हो गए। तो अगर कॉर्पोरेट्स आए तो उन्होंने देखा है कि सेक्टर में कहीं ना कहीं बहुत अच्छी ग्रोथ है और इस सेक्टर को ढंग से बनाया जा सकता है। तभी तो आप टाटा और गोदरेज जैसे लोग भी जो 150 साल और 200 साल पुरानी भी संस्थाएं और घराने हैं वो इस सेक्टर में आए हैं। तो अगर इनका आना इस सेक्टर में मतलब ये सेक्टर आने वाले समय में सम्मानित सेक्टर रहेगा और इस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ होगी। ये बात अलबत्ता अलग चीज रहेगी कि क्या इसको स्पेकुलेशन तेजी मंदी के हिसाब से देखा जाना चाहिए या इसको एक फैक्ट्री के मॉडल के रूप से देखा जाए, और जब जब इसको एक इंडस्ट्री का स्टेटस देंगे तो फैक्ट्री के रूप से देखा जाएगा तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, लोगों को घर सस्ते मिलेंगे और ज्यादा खर्च मिलेंगे। नहीं इसमें और मैं इसमें और ऐड करता हूँ अभी जैसे इन्होंने बताया टाटा गोदरेज ऐसे जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो बड़े बड़े है दूसरी इंडस्ट्रीज में है, रियल एस्टेट में 5-7 साल के अंदर आया, ये जो रेरा आने के बाद मैं खुद सिंगापुर चाइना जापान मलेशिया जो बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है वहां पे वो लोग हमारे अप्रोच कर रहे हैं कि हम लोग आपको कंस्ट्रक्शन करके दे देंगे ये कर देंगे क्योंकि क्लियरिटी आई। तो इसमें खाली कंज्यूमर का फायदा नहीं है, हम तो ये समझते हैं बिल्डर का भी फायदा है क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की और घर की मांग तो है। आज एक घर का समझो आज प्रोडक्शन 10 घर हो रहा है, प्रोडक्शन 2 ही घर हो रहे हैं उसकी वजह से भाव बढ़ रहे। अगर समझो प्रोडक्शन बढ़ गया, क्लियरिटी आई, प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉर्पोरेट सेक्टर आ गए, फॉरेन कंस्ट्रक्शन में आ गए, तो इसमें डेफिनेटली कंज्यूमर के लिए और बिल्डर के लिए विन विन पोजीशन,
बटा जरा सा, आपको लग रहा है जो मोफा था और जो रेंट टैक्स था तो काफी नहीं था, जो एक नया इनको एक्ट लाना पड़ा? नहीं 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 रहता, अभी मोफा कभी हुआ, रेंट कभी हुआ, 100-200 साल पहले हुआ, तो सिचुएशन वही सिचुएशन करके आ जाता। तो जब चेंज होता है सिकोलॉजी, जो पहले 82 में एक फ्लैट परचेज किया 1.5 लाख से, उसको आ गया 1.2 करोड़ वही फ्लैट का कीमत आई। तो वो टाइम में जो था एक टाइम में चेंजेस आ चुके। मेन पॉइंट जो मेरे लिए अच्छा है फॉर बिल्डर एंड द कंज्यूमर इन दिस एरिया, देयर एक कोर्ट केस होता था, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, देयर इज नो एंड, स्टे लेके रख दिया, बिल्डर को कोई काम बंद हो गया, मेरा भी अंदर से इधर घर देता नहीं, मेरा दोनों को बैठा। अभी क्या हो गया, कोर्ट में जाने का पहले एक रास्ता दे दिया, जे ट्राइबल अथॉरिटी रख दिया, जो उधर आपको फैसला होने का चांस है तो आपको कोर्ट में जाना नहीं पड़ेगा। इसमें दो एडवांटेज है, एक जुडिशियरी में जो प्रेशर है वो कम कर दिया है, और सेकेंड पॉइंट है जो अर्ली डिस्पोजल ऑफ द मैटर, ये रेरा का बेनिफिट। अपना अशोक भाई, ये जो अभी जैसे सिर्फ 5% लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये टाइम एक्सटेंड देगी रेरा, क्योंकि 95% लोगों ने तो अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, तो देना चाहिए, और देगी कि नहीं देगी तो आने वाला समय ही बताएगा। बट 15,000 से ज़्यादा प्रोजेक्टों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें से शायद खाली 350 या 400 आज तक हुए, और आज का बोले कि हर दिन 50 हो रहे हैं, क्योंकि क्लैरिटी अभी आई है, क्लेरिफिकेशन अथॉरिटी की तरफ से अभी आए हैं, बैंकिंग सेक्टर से अभी आए हैं, तो शायद एक दो महीने का और एक एक्सटेंशन देना सही रहेगा। और ये कोई मांग नहीं है, ये ज़रूरत है, ये समय की जो समय कम था जीएसटी के कारण, रेरा को समझने के कारण, उस अभाव को पूरा करने के लिए 2 महीने का एक्सटेंशन रेगुलेटर ने देना चाहिए। अभी आपको जो अभी सपोज एक कोई कंज्यूमर कंप्लेन करता है रेरा में, तो ये जो अथॉरिटी है ये कैसे इसके ऊपर रिएक्शन देगी, मतलब आपके हिसाब से इमीडिएट रिएक्शन होगा, पब्लिक सेटिस्फाई होगी कि लोग, मतलब अगर पब्लिक में अगर सपोज मैं कोई बिल्डर से सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं रेरा में कंप्लेन करता हूँ उसके बारे में, तो उसका पैनलाइज कैसे करेंगे? समय तो सारा कुछ एक्ट के अंदर बहुत कुछ क्लैरिटी है, बट यूं देखे तो ये जैसे भट्टाचार्य जी ने कहा, ये जुडिशरी सब्जेक्ट नहीं है, ये लॉ पॉइंट का आइटम नहीं है, ये बहुत तरीके से देखो तो एक तरीके से ये आर्बिट्रेशन सब्जेक्ट है, ये पंचायती का सब्जेक्ट है, जहाँ रेगुलेटर ने ये देखना है कि सारी चीज़ों को, व्यवस्था को और समय को देखते हुए कितना हार्डशिप दोनों ही पार्टी की तरफ था और नहीं था, चाहे कंज्यूमर हो चाहे डेवलपर हो, तो ये आर्बिट्रेशन का एंगल लेना पड़ेगा। और आर्बिट्रेटर जब भी एंगल लेता है वो एक तरफा नहीं होता है, वो दोनों चीजों को एक बहुत ही न्यूट्रल लेके देखना पड़ेगा। अगर रेगुलेटर ने ये देखा कि हम सरकार है और हमेशा जो बड़ा वर्ग है उसको हार्ड देखना चाहिए और छोटा वर्ग है उसको कम देखना चाहिए, तो शायद ये अन्याय होगा। तो ये मैं सर टाइम कुछ फ्रेम दिया हुआ है फिक्स कि भाई इसके अंदर हमको सब क्लेरिफिकेशन करनी है, या बिल्कुल बिल्कुल चलता रहेगा? नहीं, क्रिस्टल क्लियर है, अथॉरिटी को कोई भी कंप्लेंट आती है मैक्सिमम 6 महीने में उसको डिसीजन देना है, जैसे अशोक जी ने बताया कि आर्बिट्रेशन है, कोर्ट नहीं है, कि तारीख पे तारीख ऐसा नहीं है, ये 6 महीने में रेगुलेटरी को फाइनल करना है इस तरफ या इस तरफ। यानी हमारा कहना होगा कि सिर्फ सरकार के अंदर जो लोग ऑलरेडी अलग अलग डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज़ है वो इसके आर्बिट्रेशन या इसकी जो कंप्लेन की पैनल है उसमें सिर्फ वो ना होके समाज के जो सम्मानित और अनुभवी लोग हैं उनका इसके अंदर कहीं ना कहीं सीट पोजीशन होनी जरूरी है, जैसे कोई रिटायर्ड जज हो जावे, क्योंकि जजमेंट सीट के ऊपर तो उसको लॉ पॉइंट पे देखना है, बट विदाउट जजमेंट सीट कोर्ट जज की सीट के ऊपर वो नहीं रहेगा तो वो समाज को समाज की तरीके से देखेगा और आर्बिट्रेशन सही कर सकेगा। तो रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, रिटायर्ड सोशलिस्ट और रिटायर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट और रिटायर्ड जो लोगों ने समय का जिंदगी में समय के कारण अनुभव लिया है, उन लोगों का इस कमिटी में होके और वो जजमेंट जो पास होगा वो सही होगा, न कि एक तरफा। और इतने हमारे पास लोग हैं जो इतने ऑल ओवर इंडिया में इतने प्रोजेक्ट्स हर एक जगह पे आप देखा जाए तो हर एक एरिया में प्रोजेक्ट्स बन रहे, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया हुआ है, हिंदुस्तान के हर एक रोड में आज की तारीख में डेवलपमेंट चल रहा है।
आप चाहे तो राजस्थान चले जाइए, आप मध्य प्रदेश चले जाइए, या वेस्ट बंगाल चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, या केरला चले जाइए, इतना प्रोजेक्ट चल रहा है, छोटे बड़े इतने प्रोजेक्ट है, लाखों के हिसाब से प्रोजेक्ट है। तो जैसे भट्टाचार्य साहब ने बताया कि कोर्ट में भी इतने मैटर चल रहे हैं, कोई जमीन को लेकर विवाद है या कोई बिल्डर के साथ विवाद है, दो भाइयों ने जमीन बेची है, बिल्डर एक के साथ है, तो काफी अभी तक आपको लग रहा है कि ये पूरी तरह अगर रियली एग्रीव्ड लोगों को, रियली जो लोग सही तरीके से जो लोगों को अन्याय मिल रहा है, जिनको तकलीफ हो रही है और उनको सही न्याय मिले, अगर वो देखना है तो कंज्यूमर्स की तरफ से देखना जरूरी है कि पहले वो कंप्लेन करने से पहले ये देखें कि क्या ये सारी चीज़ों को लेते हुए क्या उनकी कंप्लेन उस लेवल तक की जायज़ है कि नहीं है। नहीं तो नंबर ऑफ कंप्लेन इतनी रहेगी कि उसमें से जायज़ कंप्लेनों का कंप्लेन इन सारे कंप्लेनों के बोझ के नीचे नहीं दब जाए। तो जिसको समय पर न्याय चाहिए, उसको वो अभाव ना हो, उसके लिए एक लॉजिस्टिक एक रियलिस्टिक अप्रोच लेना हर कंप्लेनर हर कंज्यूमर के लिए भी जरूरी है, न कि ये समझना कि भाई ठीक है एक चिट्ठी एक पत्र लिखना मतलब मेरा अधिकार है सिर्फ। नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें एक जो चीज आपने बताई अभी कि दो भाइयों का झगड़ा है तो जमीन कैसे आएगी, तो ये सब ये हमारे को अभी लागू ही नहीं, क्योंकि रेरा में जब तक सीसी नहीं है, सीसी कब मिलेगी, दोनों भाई की सम्मति रहेगी तब सीसी मिलेगी, सीसी मिलेगी उसके बाद में मैं रजिस्ट्रेशन करूंगा, रजिस्ट्रेशन के बाद ही मैं बुकिंग करूंगा, तो ये कंज्यूमर का इश्यू ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे कंज्यूमर को पता चल जाएगी। हाँ। कि रेरा में जो भी आएंगे प्रोजेक्ट्स, तो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक बिल्डर बुकिंग ही नहीं ले सकेगा। नहीं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद उनको जो फॉर्मेलिटीज है, जो पेपर वर्क है, सब कंप्लीट करना है। नहीं, सीसी मतलब कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मुझे लेना कंपलसरी है, उसी के बाद मैं रजिस्ट्रेशन कर पाऊंगा, उसके पहले मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी इसका देखो हर एक चीज के दो चीज रहती है, इसका मिस यूज भी होने वाला है, भी आने वाले जो मेरा फर्ज लोगे उसका फायदा भी उठाने वाले, तो उसको भी नजरिया गवर्नमेंट का उस तरह से होना चाहिए, मतलब दोनों पॉइंट बैलेंस करने का कि ये आर्बिट्रेशन है, ये जजमेंट नहीं है। भट्टाचार्य साहब, आपको जो एक लग रहा है जैसे रेरा के आने से बिल्डर्स को फाइन लगेगा, मतलब अगर सपोज बिल्डर ने कोई प्रोजेक्ट डिले किया तो उनमें ऐसा है कि शायद उनको फाइन लगे या उसको इंटरेस्ट देना पड़े, तो पब्लिक जो कंज्यूमर उसको क्या लग रहा है बेनिफिट? नहीं, कंज्यूमर को भी लग रहा है, कंज्यूमर को भी आउट ज्यादा लग रहा है। कंज्यूमर के क्या लग रहा है, अभी वो डिफॉल्टर हो गया तो उसको एग्रीमेंट तो कैंसिल कर सकता है, एग्रीमेंट कैंसिल करके वो दूसरा आदमी को सेल कर सकता है, इतना दिया तो उसने बोला है। बट उसमें मेरा इतराज यही है जो उधर बोला है कि तुम उसको कैंसिल करके इमीडिएट वो दूसरा को सेल कर सकता है, बट पैसा देगा 6 महीने बाद में, पैसा देने का टाइम रखा विद इन 6 मंथ, काल भी दे सकता है, बट जब बोलेगा 6 महीना का अंदर देना पड़ेगा तो बिल्डर 6 महीना में ही देगा, क्योंकि 6 महीना का ब्याज जो अपने आप ले लेगा। तो ये जो है ना, ये तो बहुत कुछ है, ऐसा ऐसा बोलेगा तो बहुत कुछ एक एक करके देखो। अच्छा काम करने के लिए मुश्किल है, बट तुम जाओ जो अच्छा काम करता है उसको देखो क्या क्या गलत किया, 100 गलत तुम पढ़ सकते हैं। आपको देखना मांगता है ये काम जो किया अच्छा कितना किया, बुरा कितना किया, इंटेंशनल बुरा किया उसको पनिशमेंट करो, बट ये हो गया भाई ओवर से मैन इज ह्यूमन टू मैन इज एरर, मनुष्य को भूल होता ही है, इवन जो इंटेंशनल बुरा शुड बी स्टॉप, उसको बंद करना चाहिए। आप हो गया किसी तरह के गलती से हो गया, भूल किया, कुछ भी हो गया, तो दिस इज द जज जो है, हमारा जज और कंप्यूटर में फर्क क्या है, कंप्यूटर में लिखेगा 2+2 = 4 ही आएगा, वो कभी उससे कम ज्यादा नहीं आएगा, बट जांच को ना जीता है वो 2+2 = 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, घर में कुछ गड़बड़ होकर जांच में बैठा है, चलो अच्छा कर लो हो सकता है नहीं, आफ्टर ऑल ही इज अ ह्यूमन, ही इज हैविंग ऑल फीलिंग्स एंड उसको देख के अच्छा लगा, ये बहुत बुद्धा नाचे उसको ही दो, ये हो सकता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये आ सकता है, इट इज नॉट ए लॉ, बट पॉइंट इज रेरा होने के मैंने कोर्ट में जाने का पहले एक धाप आ गया, जिसे कोर्ट में जाने का मेरा ख्याल से बहुत सारा केस कोर्ट में जाने का नहीं पड़ेगा, कोर्ट जाने का पहले ऑलरेडी कोर्ट में इतना केसेस है कि सेटिस्फाई नहीं हो पाता लोग के ऊपर, तो इससे सुप्रीम कोर्ट बोलता है अभी 10 साल लगेगा, नया केस नहीं आएगा तो पुराना केस सॉल्व करने के लिए। अशोक भाई, ऐसा था कि लोगों के मन में था कि बिल्डर जो है वो एक खुद एक काफी मतलब शॉर्ट में कर रहे हैं प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूशन है, बिल्डर लाइन जो है हर एक आदमी का एक एक्सपेक्टेशन है, बिल्डर है तो काफी कमा है,
लेकिन लास्ट अगर हम एक जब से सिडको बनी हुई है हमने ऐसे काफी जगह देखी हुई है कि एनएमएमसी के भी कोई ऑफिसर्स और सिडको के भी ऑफिसर्स उन्होंने तो बिल्डरों से भी ज्यादा कमाए। तो आप लोगों ने इश्यू बनाया ये, क्योंकि इसमें जो रेरा में किधर भी ये कंसर्न अथॉरिटीज को नहीं लिया हुआ है। हम लोग को बोलना ठीक नहीं है, कमांड है निकाल। आप जो बोल रहे हैं यू आर नॉट हैविंग दी प्रूफ, यू कैन नॉट कंफर्म लोगों पे, काफी लोगों पे एक बात में मेरा लोगों पे एक्शन हो चुका है, काफी लोगों पे एक्शन हो चुका है, काफी लोगों का एक्शन हो गया, उसका एक्शन करो। बट अब जनरलाइज नहीं, जैसे अभी जैसे अगर मैं ओवरऑल सिस्टम में काफी बदलाव आया है इस सरकार के इस सरकार के आने के बाद में जो ये जिसको हम करप्शन का सिस्टम बोलते हैं उस सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव आया है। बहुत कोशिश जीरो लेवल तक जाने की तरफ बहुत स्पीड से भाग रहा है और जीएसटी रेरा और ये अब बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट आने वाले समय में ये सब चीज देखते हुए सरकार इतना सही कुछ अच्छे करेगी कि ये दायरा बहुत ही सीमित रूप तक रह जाएगा या जीरो लेवल तक आ जाएगा। तो सरकार का हम इसको स्वागत करते हैं कि करप्शन लेवल को कम कर रहे हैं। अब रही बात कि बिल्डर सिर्फ प्रॉफिट कमाता है या नहीं कमाता, तो मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा कि हर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस होता है, इसलिए इनकम टैक्स एक्ट या गवर्नमेंट भी बोलती है कि आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट दीजिए। वो कभी ये नहीं कहते कि प्रॉफिट स्टेटमेंट दीजिए। तो व्यापार में प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट में 1994 में हमने विजन अपार्टमेंट B17 सेक्टर 7 न्यू पनवेल वेस्ट सिडको के एरिया में ग्राउंड स्टेज के ऊपर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे बुकिंग ली थी और वही प्रोजेक्ट कंप्लीशन के बाद में 1999 में मैंने 725 रुपया स्क्वायर फीट में बेचा लॉस में। तो ऐसा नहीं है कि कभी लॉस नहीं हो सकता है। तो उस ढंग से इसीलिए मैंने कहा कि इस बार अब इस एक्ट के बाद में आर्बिट्रेशन की नजर से देखना बहुत जरूरी है, न कि ये कि बड़ा वर्ग और छोटा वर्ग। भट्टाचार्य अभी भी लोगों में कंफ्यूजन काफी भट्टाचार्य सर, क्योंकि जैसे मैं आपको पहले बोला जीएसटी है रेरा है तो ये सब सर पूरी तरह से आम आदमी को, आपको कैसे, आपको काफी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, हमारे अशोक भाई है, भूपेन शाह है, उनको भी काफी एक्सपीरियंसेस है, लेकिन आम जनता को जो हमारा प्रोग्राम दिख रही है उनको मतलब पूरी तरह से क्लैरिटी क्यों नहीं। आज की तारीख में अगर हम उनको पूछेंगे व्हाट इज रेरा व्हाट इज जीएसटी, आज भी उनके बीच में खाली हो एक बोलते हैं हाँ हमारे को अच्छा होने वाला है, देखते हैं अभी इतने एक्ट आए उसमें कुछ बेनिफिट। दो चीज है, पहला बात है ये हमको कैसे मालूम पड़ेगा ये अच्छा है ये बुरा है, ये मुझे पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए मेरे एडुकेटेड होना मांगता है, हमारे एडुकेटेड कहते हैं। अभी आप नाम सही करता है तो बोलता है लिटरेट हो गया, नाम सही जो कर सकते हो पढ़ नहीं पाता है। आप फोटो आ सकता है ना, तो नाम तो फोटो हम अभी भी नाम सही कर सकता है, जैसे आप फोटो आता है कोई पिक्चर करता है कर सकता है। तो जब तक तो गहराई करने के लिए मांगता है। दूसरा बात है जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम और प्रैक्टिकल बहुत फर्क है। हम जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद जो एक्चुअल फील्ड में जाता है उसको साथ में कोई संबंध नहीं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कंप्लीटली चेंज करना मांगता है। वी शुड बी ओरिएंटेड, बाद में जो करेगा वो हमारा काम में आ सकता है, हमारा यह नहीं है एजुकेशन सिस्टम क्या। दूसरा बात है ये जो करने के लिए जो बताने के लिए हर आदमी आर पर्सनल इंटरेस्टेड, मैं बताने का टाइम है मेरा जो गलत है वो नहीं बताऊंगा, मेरा अच्छा ही बताऊंगा। आपको जो फायदा होगा वो बताएगा, आपको जो लॉस होगा नहीं बताएगा, करके आपको फंसा दिया। बाद में देखो तुमको तो बोला वो मुझे बोला नहीं था, वो मुझे याद नहीं था, मुझे मालूम था जिसमें नुकसान है बट वो मैं बोलेगा नहीं, क्यों बोलेगा तो मेरा पास आएगा नहीं, तो उसको फायदा दिखा दिया। तो इसीलिए एक कैसे हो सकता है मुझे नहीं देखा पाएगा क्योंकि मैं पढ़ाई किया है। आप बोलेगा तो बोलेगा किधर लिखा है देखा, मैं पढ़ के बोलेगा ये तो नहीं है। बट अब जो हम आम आदमी को पास जाके आप बताएंगे उसको तो कुछ पढ़ाई नहीं है। हाँ ये बड़ा आदमी आए बोला तो शायद बड़ा ही होगा, हाँ बड़ा होगा, बड़ा आदमी उसको फेवर में बोलता है कि उसको एगेंस्ट में बोलता है उसको मालूम नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए जब तक लिटरेसी बराबर नहीं होगा, सामाजिक चेतन जॉर्डर नहीं होगा, तब तक जो आदमी एक्सप्लॉयट करना चाहता है करेगा और जो आदमी को नहीं है वो एक्सप्लॉयटेड होगा। लेकिन आज जिस हिसाब से आज पब्लिक अपना पूरा जमा पूंजी पूरे जिंदगी भर की कमाई सिर्फ एक प्रॉपर्टी लेने के लगाती है, अगर कोई छोटा सा गिफ्ट ले, थोड़ा सा सोना ले,
तो वो आदमी चला लेते, लेकिन कई बार लोग अपना सारे जिंदगी की कमाई इस जगह पे लगाते हैं और कई बार वो फंस भी जाते हैं, कुछ बिल्डर्स है या कोई एजेंट है भाई चलो इस हमारे जिंदगी कमाई ना। मैं तो पहले बोला कि इतना पैसा पूरा जिंदगी में कोई आपको तीन लड़की को शादी देने के लिए इतना पैसा खर्चा नहीं करता जो आप ऐसा नहीं करता है, करता क्या? मैं देखिए बोलने में खराब लगेगा, मैं बोलता हूँ मैं ओनर हूँ, ये रूम मेरा है, मैं ओनर हूँ, बट मेरा पोजीशन बेगर से भी खराब है। बेगर को 5 रुपया देता है, बड़ा पाव खाता है, और मेरा 5,000 रुपया महंगा मांगता है, उसमें EMI 4,400 देना पड़ता है। बच्चा को बोला तो मेरे भूख नहीं मिलेगा, सामने साल में देगा, और बोलने का टाइम में बोलता मैं लैंडलॉर्ड हूँ, मेरा बिल्डिंग है। सो ये तो आपने आगे एक इश्यू लिया करप्शन के बारे में, तो हम यही बोलते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसमें शामिल करो ना, गवर्नमेंट अथॉरिटी को शामिल करो तो उनकी भी जिम्मेदारी हो जाएगी। उसकी क्लियरिटी रेरा की तरफ से हमको क्लियरिटी आनी चाहिए, क्योंकि हमको पनिश करते हो वैसे गवर्नमेंट जो भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे सिडको ले रहे चाहे NNMC ले रहे, उनको भी इंक्लूड करो, उनको भी जिम्मेदारी दो, उसको पनिश करो, तो ये करप्शन ऑटोमेटिक चले जाएगा। बाकी बातें करना और करप्शन जाना इज नॉट पॉसिबल। नहीं नहीं वो जो बात किया ना वो तो मैं बोला है जब और अमेंडमेंट आना मांगता है, अमेंडमेंट भी एक पॉइंट डालना मांगता है, अथॉरिटी जो है अथॉरिटी शुड बी अकाउंटेबल, अथॉरिटी शुड ऑल्सो भी अकाउंटेबल, वो आना चाहिए। वो बोला ना मैम ये जो भी कुछ भी बनाता है उसको अच्छा करने का रास्ता रहता है, पहले से अच्छा हुआ बट फिर भी और अच्छा होने का रास्ता रहता है, इसीलिए मैं बोलता है डाटा में और कुछ पॉइंट है जो आप डाल के डाटा को और अच्छा कर सकते हैं। आई वी होप जे बाद में डाटा में अमेंडमेंट होगा और ये सब पॉइंट आएगा उसमें। अभी भी काफी कुछ अमेंडमेंट होना बाकी है बाकी। लोगों के हिसाब से खास करके गवर्नमेंट वाले को इंक्लूड करो, वो इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अगर रेरा को सक्सेस करना है तो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको गवर्नमेंट को भी साथ में अंदर डालना चाहिए, जैसे आर्किटेक्ट एजेंट बिल्डर RCC वाला जैसे है वैसे उनको भी इंक्लूड करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, तो ही रेरा के अंदर घर का प्रोडक्शन फास्ट हो जाएगा, तो ही ये जो दूसरे सब चीजें न्यूसेंस वैल्यू जिसको बोलते हैं वो न्यूसेंस वैल्यू कम हो जाएगी और टाइमली पब्लिक को फ्लैट मिलेगी, नहीं तो बातें रह जाएगी। आपसे प्रोजेक्ट्स बढ़ेंगे नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे मोटे जो बिल्डर थे जो अटका रहे थे प्रोजेक्ट्स या जो पूरी तरह कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे तो वो निकल ही जाएंगे इस रेरा के इसमें। ऐसा जरूरी नहीं। देखो अगर आप काम करेगा बिल्डर रहेगा वो रहेगा ऑनेस्ट रहेगा रेरा इज गुड, बट आप शॉर्टकट में कुछ करना चाहता है तो रेरा में मुश्किल है। देखो अभी क्या हो जाएगा, दो प्रोजेक्ट चल रहे वो एक प्रोजेक्ट करेगा, मैं 5 प्रोजेक्ट करता हूँ मैं 2 प्रोजेक्ट करूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और दूसरा बीच में एक तो मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप बोलते हो प्रॉफिट, बिल्डर बोले तो प्रॉफिट, वो अच्छी गाड़ियों में घूमता है ये करता है वो करता है तो बिल्डर इज प्रॉफिट, ये रॉन्ग है। क्योंकि हमारी कुल कमाई रनिंग भाव से सिडको से हम टेंडर लेते हैं, आपके सामने सब टेंडर जा रहे हैं 1-1.5 लाख, 2 लाख रुपए मीटर जा रहा है, उसके ऊपर कंसर्न कॉस्ट, उसके ऊपर बैंक का ब्याज, ब्याज GST फिर प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब मिला के अगर हाथ में हमारे 7-8% आया ना पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब 1,000 करोड़ का वैल्यू में उसका मैं 7-8% मिला तो हम हमको खुश नसीब समझते कि इतना हमको मिला इस इनफ। खाली हाँ बिल्डर बोले तो दिखावा रहता है, वो दिखावे के ऊपर अगर आपको प्रॉफिट उसकी दिखती है तो ये रहो। इसको ऐसा भी समझना चाहिए कि बेसिकली व्यापार जो होता है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है या IRR जिसको बोलते हैं। अगर बिल्डिंग लाइन में नफा ज्यादा दिखता है वैल्यू वाइज में, परसेंटेज वाइज तो जैसे बूंदर वाला वो ही राइट है, तो लागत भी ज्यादा है। अगर लागत ज्यादा, अगर आप एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री लगाते हो, मुकेश भाई लगाते हैं तो वो 1,00,000 करोड़ रुपया लगाते हैं, इसके लिए 10,000 करोड़ हर साल कमाते हैं, वो 1,000 करोड़ लगा के 10,000 करोड़ नहीं कमा सकते। तो लागत ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, इसलिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वॉल्यूम ज्यादा है, बट क्या IRR अच्छा है, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ज्यादा है, तो नहीं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बिल्कुल ही एक दूसरे किसी सामान्य मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और ट्रेड के जैसा ही है। अच्छा जैसे अभी हमारे जो प्लॉट्स थे तो पहले आते थे कुछ सोसाइटी प्लॉट थे, बिल्डर प्लॉट्स थे, गावटन प्लॉट्स थे,
तो अभी आगे क्या फर्क पड़ेगा उसमें रेरा में इन सब चीजों का कुछ? रेरा को ऑपरेशन से कोई मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू कैटेगरी से मतलब ही नहीं। रेरा सिर्फ इसलिए है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होना चाहिए, तो इसलिए उसको और जो इसमें से एग्रीड पार्टी है जिसको न्याय नहीं मिलता था उसके लिए प्लेटफॉर्म है। तो ये जैसे अभी जो नए प्रोजेक्ट्स हैं नए प्रोजेक्ट्स के तो ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ है कि कुछ जो जो पुराने प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर भी रेरा लागू किया हुआ। हाँ, जो जुड़ा अधिकार ये नहीं मिला उसे नहीं मिला उसको लागू हुआ, जिसको उसी मिल गया उसको नहीं लागू हुआ, जिधर उसी नहीं मिला दैट मींस स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन पकड़ जाएगा उसके ऊपर रेरा लागू है। बेसिक बात यह है कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने के लिए जो पैसा ग्राहकों से आना है उसको कंट्रोल करके कंस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज होकर समय पे पूरा हुए, ये ही सिर्फ इसका मेन उद्देश्य है। और अगर वो नहीं होता है तो उसके लिए न्याय देने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। तो दर्शकों मेरे हिसाब से जो आज का जो एक आपस में जो डिबेट था या आपस में जो एक नॉलेज था, आपस में जो लोगों को नॉलेज दिया हमारे जो मेहमानों ने आके, कि एक लोगों को हर तरह से फायदा ही है। आज जो भट्टाचार्य साहब जो थे वो लोगों की तरफ से हमेशा फेडरेशन के फाउंडर मेंबर थे, वो फाउंडर अध्यक्ष थे, यार यहाँ पे भूपेन भाई थे, अशोक जी थे, इन्होंने काफी बड़े बड़े डेवलप मतलब बिल्डिंगे बनाई हुई है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये था कि पब्लिक को ये भी ये चाह रहे थे कि पब्लिक को टाइम पे जगह मिले, टाइम पे प्रदर्शन मिले, ताकि वो अपना जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे, दूसरा कंप्लीट होगा तो तीसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। तो एक जो लोगों का एक धारणा थी कि इससे बिल्डर को फायदा बिल्डर को नुकसान होगा रेरा में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया हुआ है। तो इसी के साथ आज का हम प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। हमारे जो मेहमानों को उनको आने का धन्यवाद।